गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एम डी एन पब्लिक स्कूल कलायत टूडे नाउ डिस्कस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन लेसन थ्री फेडरलिज्म क्वेश्चन नंबर टू दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय संविधान के एकात्मक तत्वों का वर्णन कीजिए कल हमने जो रीड किया था एक बार हम रिपीट कर लेते हैं संघवाद में कि भारतीय संविधान के संगात्मक तत्वों का वर्णन करें कल हमने पढ़ा था एक बार इसको एक बार देख भी लेते हैं भारतीय संविधान के संगात्मक तत्वों का वर्णन में डेफिनेशन पढ़ी थी हमने उसके बाद संगात्मक शासन व्यवस्था संगा भारत की संगात्मक विशेषताएं शक्तियों का विभाजन शक्तियों के विभाजन में विधान को श, शक्तियों के विभाजन में भारत की सभी शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा राज्य के बीच तीन सूचियों में किया था बेटा संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची उसके बाद भारत जो हमारे देश का संविधान है वो लिखित है परंतु कठोर नहीं है जितना कि अमेरिका का संविधान कठोर है कठोर संविधान एक पढ़ा था संविधान की सर्वचता और द्विसदनीय विधानमंडल और इकेरी शासन टुडे नाउ टू में देखते हैं भारतीय संविधान के एकात्मक तत्वों का वर्णन एकात्मक सरकार से तात्पर्य हम एकात्मक सरकार से तात्पर्य उस सरकार से के है उस सरकार से है या के है से आना चाहिए वैसे जिसमें सभी शक्तियों केंद्र सरकार के पास होती हैं एकात्मक सरकार अर्थात बेटा कहने का तात्पर्य क्या है एकात्मक सरकार से हमारा तात्पर्य है उस सरकार से है जिसमें सभी शक्तियाँ किसके पास होती हैं केंद्र सरकार के पास होती हैं भारतीय संविधान में निम्नलिखित एकात्मक तत्व पाए जाते हैं फर्स्ट है शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में जो शक्तियाँ हैं उसका विभाजन केंद्र के पक्ष में भारतीय संविधान में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है उसमें केंद्र सरकार के पक्ष में स्तानवे विषय हैं केंद्र सरकार के पक्ष में कितने विषय हैं बेटा 97 जबकि राज्य सरकार के पक्ष में 47 विषय हैं पर दोनों सरकार कानून बना सकती है परंतु दोनों सरकार क्या बना सकती है कानून कहने का तात्पर्य क्या है कि भारतीय संविधान में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उसमें केंद्र सरकार के पास 97 विषय हैं और राज्य सरकार के पास 47 और दोनों ही सरकार कानून बना सकती है लेकिन किसी प्रकार के विवाद की परिस्थितियां कानून बनने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है अगर कोई भी परिस्थिति आ जाती है किसी प्रकार की तो उसका कानून बनने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है इसका अर्थ क्या है भी केंद्र सरकार राज्य सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है क्वेश्चन भी आता है दो नंबर में शॉर्ट में भी केंद्र सरकार राज्य सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली क्यों होती है नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत में राज्यों के भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भारत में जो राज्य हैं उसके जो राज्यपाल की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राष्ट्रपति जब भी चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है राष्ट्रपति जब चाहे तो राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है राज्य का अधिकतर कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति क्या है बेटा भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है राष्ट्रपति जब तक चाहे तो राज्यपाल उस पद पर, पर कार्य कर सकता है और राज्य का अधिकतर कार्य भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है जो केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधित्व भी है एकहरी न्याय व्यवस्था क्या है संगात्मक शासन वाले देशों में जो संगात्मक शासन वाले देश हैं बेटा उनमें दूरी न्याय व्यवस्था को अपनाते हैं दोहरी न्याय व्यवस्था को अपनाते हैं जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया परंतु भारत में एकहरी न्याय व्यवस्था की गई है देश के सभी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत काम करते हैं क्या क्या है देश के सभी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्य करते हैं आगे पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं अर्थात अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में क्या आता है बेटा आईएएस इसका जो मुख्य केंद्र है प्रशिक्षण का कहां पर है बेटा मंसूरी में किस में है मंसूरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट में राज्यों के कुछ पदों पर काम करने वाले अधिकारी राज्यों के कुछ पदों पर काम करने वाले अधिकारी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस इत्यादि के सदस्य होते हैं और ये केंद्र सरकार के, के नियंत्रण में, में ही होते हैं और ये सभी क्या होते हैं केंद्र सरकार के, के नियंत्रण में ही होते हैं नहीं है बेटा यहां में आना चाहिए नियंत्रण में ही होते हैं संविधान में संघ शब्द का अविर्भाव जो संविधान है उसमें संघ शब्द का क्या अभाव है भारतीय संविधान संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ बल्कि फेडरेशन के स्थान पर यूनियन का प्रयोग किया गया भारतीय संविधान भारतीय संविधान संघ भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ भारतीय संविधान में जो संविधान है उसमें संघ शब्द का प्रयोग नहीं संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ बल्कि फेडरेशन के स्थान पर यूनियन का प्रयोग किया गया संकट काल में एकात्मक शासन जब भारत में किसी भी प्रकार का संकट आता है तो भारत से राष्ट्रपति शासन लागू होता है जब भारत में किसी भी प्रकार का संकट आता है तो भारत में कौन सा शासन लगता है बेटा राष्ट्रपति शासन जो संविधान की धारा दिस इज वेरी दर्टिकल है जो आर्टिकल्स हैं जो संविधान की धारा तीन सौ बावन तीन सौ छप्पन तथा तीन सौ साठ अर्थात थ्री फिफ्टी टू थ्री फिफ्टी सिक्स एंड द्री सिक्सटी के अंतर्गत लागू किया जाता है क्वेश्चन आता है भारत में संविधान में जो राष्ट्रपति शासन लगता है बेटा वो किन धारा के अंतर्गत लगता है थ्री फिफ्टी टू थ्री फिफ्टी सिक्स एंड थ्री सिक्सटी के अंतर्गत लगता है इस दौरान पूरे देश या उस क्षेत्र की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में भी आ जाती है उसके समय जब ये राष्ट्रपति शासन लगता है तो देश की सारी शक्तियाँ किसके हाथ में आ जाती है बेटा राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है अब करते हैं एक चुनाव आयोग समस्त भारत के चुनाव के समस्त भारत के चुनाव के लिए एक चुनाव आयोग भी है एक चुनाव आयोग है जो राज्य तथा देश के जो राज्य तथा देश के चुनाव की व्यवस्था करता है चुनाव एक आयोग अगला पॉइंट है बेटा वित्त आयोग की नियुक्ति वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ये केंद्रीय तथा राज्य के वित्तीय मामलों की रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है कौन वित्त आयोग वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है बेटा राष्ट्रपति करता है और केंद्र तथा राज्य के जो वित्तीय मामले हैं उनकी जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत भी करता है वित्त आयोग राज्यों का अपना अलग संविधान नहीं संगात्मक राज्यों का जो संगात्मक राज्य हैं इसमें उनका अपना अलग संविधान का संघात्मक राज्यों का अपना अलग संविधान होता है परंतु भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी भी राज्य का अपना अलग संविधान नहीं है परंतु यह पॉइंट पहले का लिखा परंतु एट प्रेजेंट में भी यह ऐसा नहीं है आप सबका संविधान एक ही हो गया है आप पीछे सी न्यूज थी आप लोगों को पता होगा ये पहले के नोट्स हैं राज्य का अपने का अलग संविधान नहीं होता था परंतु इसमें जो एग्जाम्पल दिया जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी भी राज्य का अपना अलग संविधान नहीं है परंतु आप वो व्यवस्था खत्म कर दी सभी का एक ही संविधान होगा सभी विद्यार्थियों इन सभी पॉइंट को राइट भी करें और लर्न भी करें अच्छे से ये सभी के सभी पॉइंट आप लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं डेली ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी वेरी इंपॉर्टेंट में इसमें ये सिक्स मार्क्स का आता है इसमें टेन पॉइंट्स लिखे हैं आपको एट या नाइन पॉइंट्स करवा दिए गए हैं तो सभी विद्यार्थी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी इनको लिखें और राइट भी करें ये लेसन है फेडरलिज्म संघवाद है ठीक है बेटा जो क्वेश्चन हम सुबह आपको होमवर्क में डालते हैं इंग्लिश बना के उसकी हिंदी यही होती है बेटा ठीक है कभी आप समझे कि क्वेश्चन की आप हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे फिर इसे रिपीट कर रहे हैं जो क्वेश्चन इंग्लिश में डाला जाता है होमवर्क में पब्लिक एड हिस्ट्री के अंदर तो उसका क्वेश्चन यही होता है जिस दिन आपका ये नोट्स पढ़ाया जाता है जिस दिन ये क्वेश्चन पढ़ाया जाता है थैंक यू हैव ए नाइस डे